हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी आज आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर थ्री दैट इज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ये इसका फर्स्ट पार्ट है अभी रिसेंटली सीबीएसई ने कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट कर रखे हैं एलिमिनेट कर रखे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी वो टॉपिक एलिमिनेट कर रखे हैं तो मैं आपको बताते चलूँगी कौन सा टॉपिक एलिमिनेट किया हुआ है सो लेट्स स्टार्ट इट सो पहला तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो टॉपिक एलिमिनेट किया है उसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये दोनों सेल जो हैं वो एलिमिनेट कर रखा है लेकिन क्योंकि ये बेसिक है इस चैप्टर का तो इसीलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा इसकी गारंटी है कि इसमें से एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि सी बी एस ई ने ही इसको हटा रखा है लेकिन क्योंकि ये बेस है तो हमें इसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा इसी पर डिपेंडेंट है तो इसीलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा सो so, बहुत छोटा सा है और आसान टॉपिक है कोई ज़्यादा टफ नहीं है सो so, लेट्सटार्ट वॉट इज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ठीक है सो इस जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम इस कन्वर्जन को पढ़ते हैं उसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं सो so, ये जो दोनों प्रोसेस हैं दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में होते हैं तो उन दोनों सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है तो कौन कौन से सेल्स होते हैं पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको कि गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं वोल्टेक सेल भी बोलते हैं या डेनियल सेल भी बोलते हैं सब एक ही है डिपेंडिंग ऑन द साइंटिस्ट नेम नाम दे रखा है और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी लिटिक यानी टूटना होता है तो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटता है क्या टूटेगा यहाँ पे केमिकल्स टूटेंगे ठीक है जो आपके कंपाउंड्स हैं वो टूटेंगे तो इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो ये दो टाइप के सेल्स हैं इन्हीं के बारे में इनमें क्या डिफरेंसेस होता है क्या सिमिलरिटीज होता है वही हमें यहाँ पे पढ़ना है तो so, स्टार्ट करते हैं पहला है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये क्या करता है केमिकल एनर्जी को आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ठीक है इलेक्ट्रोलिट अभी बताया इलेक्ट्रिकसिटी की वजह से कंपाउंड टूटता है कंपाउंड टूटेगा तो क्या होगा आपका केमिकल रिएक्शन होगा तो ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ठीक है सेकेंड है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन विल टेक प्लेस इलेक्ट्रोकेमिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जो अपने आप होता है उसके लिए आपको एक्सटर्नल कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और रेडॉक्स रिएक्शन जहाँ पे मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमेंटेनियसली हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियसली हो यानी अपने आप हो जिसके लिए आपको एक्सटर्नल कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ता है उसमें आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा ठीक है अगर रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो रहा है तो यानी केमिकल एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है और उसी केमिकल एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है नेक्स्ट है नॉन स्पॉन्टेनियस रोडॉक्स रिएक्शन अब जो रिएक्शन नहीं हो पा रहा था जो भी रिएक्शन था वो नहीं हो पा रहा था अपने आप नहीं हो पा रहा था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई एंड देन वो केमिकल रिएक्शन आपका होने लगा कंपाउंड आपके टूटने लगे यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ठीक है नेक्स्ट है दोनों टाइप के सेल में दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं एक होता है आपका एनोड दूसरा होता है आपका कैथोड ठीक है एनोड पे हमेशा आपका ऑक्सीडेशन होगा चाहे कोई सा भी सेल हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होगा लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है आपको एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वहाँ पे आपका दिस इज थोड एनोड है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल का तो यहाँ पे जो एनोड होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन होता क्या है दोनों में ऑक्सीडेशन ही होता है ठीक है so, सो और अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन होगा अगर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड पर एनोइड पर नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसी तरह यहाँ पे कैथोड है कैथोड पर क्या होगा एनोइड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड पर आपका रिडक्शन होगा यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव होगा तो वही यहाँ पर इंडिकेटर रखा है एनोड पे ऑक्सीडेशन नेगेटिव चार्ज कैथोड पे रिडक्शन पॉजिटिव चार्ज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस एनोड पे पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो यही एक तरह से आपको ज़्यादा ध्यान देने वाला है कि दोनों पे एनोड में ऑक्सीडेशन ही होता है लेकिन एक पे एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज क्यों होता है अभी आगे में जब डिस्कस करेंगे तो बता देंगे लास्ट पॉइंट है सॉल्ट ब्रिज यूज आपके इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं उसका क्या काम होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आगे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल नेक्स्ट देखते हैं अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डिस्कस किया था तो क्या होता है डेल्टा जी डेल्टा जी क्या होता है गिव्स फ्री एनर्जी जो एनर्जी uh, अवेलेबल होती है फॉर डूइंग द यूजफुल वर्क उसी को हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी बोलते हैं इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है दैट इज़ लेस देन जीरो किसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में इसकी एनर्जी क्या होती है ग्रेटर देन ज़ीरो होती है यानी पॉजिटिव होती है ठीक है अब आपको एक नॉर्मल uh, सा वोल्टेक सेल या डेनियल सेल दे रखा है जो छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है यहाँ पे भी पढ़ेंगे क्या है इसमें कि एक कंटेनर में आपको या एक बीकर में आपका जिंक सल्फेट का सोलूशन है और उसमें जिंक इलेक्ट्रोड है दूसरे में कॉपर सल्फेट का सोलूशन है और उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखेंगे तो जिंक जो होता है वो कॉपर के ऊपर होता है जिंक का ऑक्सीडेशन ईजीली हो सकता है और इसका रिडक्शन ईजिली हो सकता है तो जिंक पे आपका ऑक्सीडेशन होगा कॉपर पे आपका रिडक्शन होगा क्यों होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग देखेंगे ठीक है सो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये जैसे कि जिंक पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड पे तो वहाँ पे एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा कैथोड पे अगर रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा एक्सटर्नल में एक वोल्ट मीटर अटैच कर रखा है जिससे कि हमें करंट का फ्लो पता चल सके इलेक्ट्रॉन का फ्लो पता चल सके और यहाँ पे इंटरनल में एक सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है क्यों लगाया हुआ है जैसे कि आप लोग तो को पता है कि अगर सर्किट कंप्लीट होता है ओनली देन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास थ्रू दैट सर्किट अगर कम्प्लीट होगा क्लोज सर्किट होगा तभी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास कर पाता है ठीक है तो यहाँ पर एक्सटर्नली तो हम लोग देख रखे हैं वायर से कनेक्टेड है लेकिन इंटरनली ये किसी चीज से कनेक्टेड नहीं था तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज डाल रखा है अब होता क्या है रिएक्शन क्या है यहाँ पे जो जिंक की इलेक्ट्रोड है ठीक है जिंक की इलेक्ट्रोड है वो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव हो जाएगा ठीक है दो इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन आपके यहीं पे रहेंगे नेगेटिव चार्ज और जेड एंड टू प्लस आपका सोल्यूशन में आ जाएगा ठीक है इसी तरह कॉपर क्या करता है अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव करते हुए आपके दूसरे इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे यहाँ पे जो सोल्यूशन में सी यू टू प्लस आपका प्रेजेंट है ये क्या करेगा उन दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा उन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इस पर कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा किस फॉर्म में सी यू टू प्लस था उसने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया वो सी यू सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ठीक है और ये किस पे जाके डिपॉजिट हो गया कॉपर की इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया तो हमने क्या देखा कि जिंक यहाँ से सोल्यूशन में आ रहा है इलेक्ट्रोड से सोल्यूशन में आ रहा है और कॉपर सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड पर जा रहा है यानी कि अगर रिएक्शन इस तरह से कंटिन्यू हुआ तो कॉपर की इलेक्ट्रोड आपकी डिजोल्व होती जाएगी यानी छोटी होती जाएगी सॉरी जिंक की इलेक्ट्रोड आपकी छोटी होती जाएगी डिजोल्व होती जाएगी और कॉपर की इलेक्ट्रोड पे आपका कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा यानी इसकी थिकनेस जो होगी वो बढ़ती जाएगी ठीक है नाउ अब ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीडेशन एनोड पे नेगेटिव चार्ज हो जा रहा था क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिजाइड कर जा रहा था और जिंक जेड टू प्लस के फॉर्म में अंदर में चला जा रहा था यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ रहा था जेड टू प्लस के फॉर्म में यहाँ पे कॉपर कॉपर आपका इस पर डिपॉजिट हो जा रहा था नीचे में क्या बच जा रहा था आपका सल्फेट एस ओ फोर टू माइनस बच जा रहा था ठीक है नीचे में आपका सोल्यूशन में आपका एस ओ फोर टू माइनस बचा रहा था अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रोड पे आपका नेगेटिव है तो क्या इलेक्ट्रोड पे से इलेक्ट्रॉन आगे जा पाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को आगे में मूव नहीं होने देगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है यहाँ पे अगर हम देखें तो सल्फेट का कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हो रहा है बढ़ रहा है नेगेटिव चार्ज का सॉल्यूशन बढ़ रहा है और यहाँ से कौन आ रहा था नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो क्या वो इसको ईजिली आने देगा नहीं नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा यानी इलेक्ट्रॉन अब आपका मूव ही नहीं कर पा रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कैथोड टू एनोड आपका फ्लो नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगा ठीक है तो इस कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा तो जो सॉल्ट ब्रिज है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है के सी एल तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हुआ है और पॉजिटिव कहाँ जाएगा जहाँ पे नेगेटिव इंक्रीज हुआ है टू न्यूट्रलाइज़ दिस जो डिफरेंसेस आए हैं चार्जेस की वजह से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जाएगा और उसके बाद से फिर क्या हो जाएगा जो पॉजिटिव यहाँ पे आया था उस पर आके नेगेटिव आ गया ठीक है नेगेटिव आयन आ गया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया अब इलेक्ट्रॉन फिर से फ्री है आपका फ्लो करने के लिए ठीक है यहाँ पे नेगेटिव था उसको न्यूट्रलाइज़ किसने कर दिया पॉजिटिव ने अब नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज़ हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहा था वो ईजिली यहाँ पर आ सकता है एंड अगेन कॉपर एक्सेप्ट करके डिपॉजिट हो सकता है तो सॉल्ट ब्रिज का बेसिकली यही काम होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होता है उसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं ओवरऑल इज कॉल्ड एस रिडॉक्स कपल ठीक है इसको ओवरऑल हम लोग रिडोक्स कपल कहते हैं अब एक चीज़ है क्या है देख इसी में देख लेते हैं कि ये जो सेटअप था ये आपका किसका है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का या डेनियल सेल का सेटअप है अब अगर यहाँ पे अगर एक एक्सटर्नल वोल्टेज हम लोग लगा देते हैं ठीक है इस डेनियल सेल का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है दैट विल बी वन पॉइंट वन वोल्ट अगर जेड एन टू प्लस और सी यू टू प्लस का कंसनट्रेशन यूनिटी है दैट इज वन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ठीक है अगर इसका इस तरह का कंसंट्रेशन है तो इस डेनियल सेल का वोल्टेज कितना होगा 1.1 वोल्ट होगा ठीक है अब यहाँ पे अगर हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा देते हैं जो कि यहाँ पे पोटेंशियल कहाँ से जा रहा है आपका इस साइड में जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल जा रहा है ठीक है सो अगर एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दें विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस पोटेंशियल यानी इस साइड में आपका पोटेंशियल अगर हम लोग लगा देते हैं तो क्या होगा क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया उसकी वैल्यू हम लोग धीरे धीरे इनक्रीज करते रहे इसका पोटेंशियल कितना था वन पॉइंट वन था ठीक है तो जब तक वो वन पॉइंट वन तक पहुंचेगा तब तक आपका नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शन चल रहा था वही चलेगा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ मूव करेगा करेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा जैसे ही ये एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो आपका वन पॉइंट वन के ये एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो वन पॉइंट वन के बराबर पहुँचेगा वैसे ही क्या होगा इंटरनल भी 1.1 है इस साइड से भी 1.1 है एक्सटर्नल भी आपका 1.1 ही है तो कोई कर फ्लो नहीं होगा करंट का लेकिन अगर ये और बढ़ा देते हैं हम लोग यानी एक्सीड कर देते हैं 1.1 से अब इस कंडीशन में क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी यहाँ से यहाँ फ्लो होना शुरू हो शुरू हो जाएगा और जो करंट है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो होगा तो यही यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ द सेल से कम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ़्लो करेगा एनोड से वो कैथोड करंट कैथोड टू एनोड ठीक है अगर ई एक्सटर्नल ई सेल के बराबर है तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और ना ही कोई करंट वहाँ पे फ्लो करेगा लेकिन ई e एक्सटर्नल अगर आपका ई e सेल से बड़ा है ठीक है एक्सटर्नल आपका वन से बड़ा हो गया तो किस उस कंडीशन में कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा ठीक है अब नेक्स्ट चीज़ है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक छोटी सी ये ट्रिक कह सकते हैं आप लोग लोन इसको याद करना है आपको लोन एल रिप्रेजेंटिंग लेफ्ट ओ ऑक्सीडेशन ए एनोड ठीक है ये हटा लीजिएगा और एन आपका नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है अब ये क्या है कि जब भी हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एनोड को रखते हैं और एनोड पे हमने देखा हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उस पर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा ठीक है तो बस इतना याद रखना है लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखते हैं एनोड रखते हैं और एनोड में आपका ऑक्सीडेशन होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो लोन ठीक है लेफ्ट हैंड साइड में आपका लोन ये आपको याद रहेगा तो राइट हैंड साइड में जस्ट इसका अपोजिट कर सकते हैं सो so, अब यहाँ पे एनोड एनोड पे एनोड हाफ रिएक्शन क्या हो रहा था आपका जिंक जो था वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था जेडन टू प्लस कर दीजिएगा यहाँ पे टू लगा दीजिएगा जेड इन टू प्लस और दो इलेक्ट्रॉन में आपका कन्वर्ट हो रहा था एंड देन कैथोड पे क्या था दो कॉपर uh, कॉपर आयन जो था वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में आपका कन्वर्ट हो जा रहा था अब जब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से करते हैं जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था जेड इन टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा था उसका कंसनट्रेशन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसको एक स्लैश से हम लोग डिफ्रेंश करते हैं जैसे जिंक आपका जेड एंड टू प्लस में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे हम लोग दो लाइंस लगाते हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सॉल्ट ब्रिज ये दो दो लाइंस हम लोगों ने लगा रखी है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है देन कॉपर आपका किस में कन्वर्ट हो रहा था कॉपर सॉलिड में और यहाँ पर हम लोग उसका कंसेंट्रेशन भी मैंशन कर देंगे ठीक है तो इस तरह से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा था आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था लोन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन एनोड एंड पॉजिटिव चार्ज ओके सो नाउ व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज उसके बारे में पहले आगे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है बस थोड़ा रिटर्न में जो है उसको देख लेते हैं क्या होता है सॉल्ट ब्रिज यू शेप्ड इन्वर्टेड यू शेप्ड हम लोगों ने देख रखा था इस तरह से था ये आपका यहाँ पे एक सेल था यहाँ पे एक सेल था और ये इन्वर्टेड यू शेप में था ठीक है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ इन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक के सी एल के एन ओ थ्री के टू एस ओ फोर एक्सेट्रा इन अगर और जिलेटिन जो उसमें यू ट्यूब टाइप का है उसके अंदर क्या फ़िल कर रखा है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ़ के सी एल के एन ओ थ्री एंड के टू एस ओ फोर उसमें इन अगर अगर और जिलेटिन फिल कर रखा है ठीक है इसका फंक्शन क्या होता है टू कंप्लीट द इनर सर्किट इनर सर्किट को कम्प्लीट करता है टू द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बताया मैंने आपको किस तरह से मेंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे नेगेटिव जाता है उसको न्यूट्रलाइज करता है अगर नेगेटिव इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव जाता है उसको न्यूट्रलाइज करता है ठीक है टू टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नेक्स्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है जो भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिया है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रहता है इनर्ट यानी जाकर रिएक्शन नहीं करेगा हमने बोला न्यूट्रलाइज करेगा जाके वहाँ पर कंपाउंड नहीं बनाएगा या उसको uh, रिएक्शन नहीं होने वाला है नहीं तो पता चले हम लोग जो करवा रहे हैं उसके उसको छोड़ के अलग ही रिएक्शन वहाँ पे शुरू हो गया है ठीक है बस चार्जेस को न्यूट्रलाइज़ करता है पॉजिटिव को नेगेटिव से नेगेटिव को पॉजिटिव से दूसरा क्या है कटाइन एंड अनयन शुड बी ऑफ कंपेरेबल साइज जो कटाइन है और एनायन है वो कम्पेरेबल साइज़ के होने चाहिए क्यों क्योंकि सपोज अगर कटायन आपका छोटा हुआ और एनायन आपका बड़ा हुआ तो कटाएँ तो जल्दी से मूव कर जाएगा छोटे साइज का है तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी वो जल्दी से जा दूसरे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और ये अपना आराम से धीरे धीरे टहलते 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 जाएगा ठीक है तो हमें इस तरह से नहीं करना है हम लोग जहाँ पे चार्जेस सारे रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं रिडक्शन के सारे रिएक्शन जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं एक पे ऑक्सीडेशन दूसरे पे रिडक्शन तो अगर ये अपोजिट साइड में जाता है तो दोनों को एक ही साथ जाकर न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा इसीलिए कंपेरेबल साइज का होना चाहिए तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दस टू टाइप्स ऑफ सेल्स और सॉल्ट ब्रिज का इम्पोर्टेंस और सा, सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे का टॉपिक लेके आएंगे टिल देन थैंक यू प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा